नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भावेश पवार का इस सीजन का प्रदर्शन। पिछली वीडियो में हम पवन केनेकर देख चुके हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हम देखते हैं इस साल भावेश पवार को कितने मैन ऑफ द सीरीज मिले। पहला मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मूवी स्पोर्ट कुरुस के टूर्नामेंट में इस साल का पहला मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भावेश पवार ने जीता। उसके बाद बीवीबी चषक बालकुम ठाणे इस टूर्नामेंट में भावेश पवार ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। फिर मेयर कप 2021 भिवंडी इस चषक में भावेश पवार को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला और ओपन के मैच में वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। उसके बाद आमदार चषक 2021 कामन वसई फिर एक बार भावेश पवार मैन ऑफ द सीरीज बने। कुल चार बार इस सीजन में भावेश पवार ने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है। अब देखते हैं बेस्ट बैट्समैन। तो 2021 गुरुवली टिटवा चषक में भावेश पवार बेस्ट बैट्समैन बने थे। उसके बाद जयवंत पाटिल चषक 2021 कालेर इस चषक में बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड भावेश पवार ने जीता। फिर एकता चषक गुटसई बेस्ट बैट्समैन ऑफ टूर्नामेंट भावेश पवार। तो इस सीजन तीन बार भावेश पवार ने बेस्ट बैट्समैन का खिताब जीता है। अब देखते हैं बेस्ट बॉलर कितनी बार बने। ओम साई स्पोर्ट्स खंबाला चषक में इस सीजन का पहली बार बेस्ट बॉलर का अवार्ड भावेश पवार ने जीता। फिर आरडी चषक 2020-21 ओली में बेस्ट बॉलर टूर्नामेंट रहे। उसके बाद जय गावदेवी चषक 2021 में बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला। गोरी स्पोर्ट चषक 2021 नेवाली पनवेल इस टूर्नामेंट में भी भावेश पवार ने बेस्ट बॉलर का अवार्ड जीता। तो इस सीजन भावेश पवार ने चार बार बेस्ट बॉलर का अवार्ड जीता है। आपने देखा भावेश पवार ने इस सीजन में चार बार मैन ऑफ द सीरीज और तीन बार बेस्ट बैट्समैन और चार बार बेस्ट बॉलर का अवार्ड जीता है। तो यह था भावेश पवार का इस साल का प्रदर्शन। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। टेनिस क्रिकेट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट का भी लेटेस्ट अपडेट और जो नए रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट के हमारे ओनली क्रिकेट लवर चैनल पे मिलते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।